हेलो एवरीवन, सो वेलकम एवरीवन इन डाउट का वाट सीरीज। तो आज हम अगेन लगाने वाले एक नए डाउट का वाट। ठीक है बच्चे, तो आज हम लगाने वाले हैं एक नए डाउट का वाट। लेकिन उससे पहले जो है आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एंड दैट इज अबाउट द सीबीएसई बोर्ड 12th बोर्ड क्रैश कोर्स। तो बच्चे, अगर आप किसी भी तरीके का इमोशन फेस करो रिगार्डिंग योर बोर्ड प्रिपरेशन, कि आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं है, कुछ कमी रह गई है, तो आपके लिए वेदांत लाया है बहुत अच्छा ऑफर, डेट इज थ्रू द क्रैश कोर्स। तो जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा था, वो 30% डिस्काउंट के साथ मिलेगा सिर्फ आपको 7,000 में। करना क्या, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक अवेलेबल है, कूपन कोड है आपका ANP NEET। तो 10th ऑफ मे से आपके नए बैच स्टार्ट है, ANP NEET आपका कूपन कोड है। नाउ कमिंग टू अवर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज इन द क्रोमाइट ओर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन एंड द क्रोमियम आर रिस्पेक्टिवली, एंड द ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे। तो जल्दी से आंसर दो कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ बच्चे, चैट सेक्शन में लिख के बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। तो आपका सही हुआ, अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं आपको बताती हूँ। तो क्रोमाइट ओर, ठीक है बच्चे, क्रोमाइट ओर क्या होता है, क्रोमाइट ओर होता है FeCr2O4। ठीक है बच्चे, FeCr2O4। तो उसका अगर हम ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर इसका एक्चुअल कॉम्पोजिशन देखें तो क्या होता है, FeO.Cr2O3। तो अब हम क्या करेंगे इंडिविजुअली, हम क्या करेंगे FeO एंड Cr2O3 का, हम क्या करेंगे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन एंड क्रोमियम का। तो जब हमने क्या किया, FeO का ऑक्सीडेशन, FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तो उसे हमने x मान लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो -2 है, तो x -2 = 0 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया +2। तो यहाँ पे क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का +2 है। अब Cr2O3 में देखो तो क्या है, कैसे होगा ये, तो देखो दो क्रोमियम है, यहाँ पे हम Cr2O3 का निकाल रहे हैं, दो क्रोमियम है ठीक है, और हर एक का आपने x मान लो इसका, तो इंटू x हो गया, प्लस आपका क्या है ऑक्सीजन का -2 होता है और 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × -2 हो जाएगा =0। तो 2x = +6, x = आपका +3। तो यहाँ पे क्रोमियम का आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया एंड क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया। तो आपका क्रोमाइट ओर में आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड क्रोमियम का +3 है, तो आपका करेक्ट आंसर डी है। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर है बच्चे। तो मिलते हैं नए डाउट के साथ, तब तक के लिए बाय। तो बच्चे मिलते हैं, एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांत नीट मेडिकल चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलो बच्चे फिर बाय, टेक केयर।